लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। तुम्हारे माँ बाप और लोग शायद उस कमरे में हैं। अब देखते अब कहाँ भागेगा छोकरे? नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। हमें बताओ तो सही, यहाँ हमें क्यों लेकर आए हो? पार्टी है सुंदर जी, पार्टी। अरे भागना, अरे बड़ा भागना। अरे तुम्हें एकदम पागल है सुंदर जी, तुम समझता है क्यों नहीं? अरे ये लोग हम लोग को जान से मारने के लिए इधर लाए। ए चमचम, मेरे साथ पंगा मत ले, तेरे कान के पीछे एक थप्पड़ मारूंगा ना, जमीन पे गिर जाएगा, फटे तक दूंगा मैं तेरे। ए सुंदर जी, तुम हमको मारेगा? ए शुभ तो देख, तू ही की बोलचे, ए सुंदर जी हमको मारेगा? अरे आर यू डेड? ए तेरे को तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बंगाली, तेरे को तो मैं एक फूंक मारूंगा ना, तू तो फूंक से उठ जाएगा, देख। शानदार पागल मानुष, तुम हम पर फूका, बेनर्जी पे फूका, ऐश्वर्य तो देख जो हमें फूका, अब शानदार को छोड़ेगा नहीं, तो हमको फूक मारा।
तूने मेरी कमीज पकड़ी, बलविंदर की कमीज, ना तेरे तो मैं दांत तोड़ दूंगा। भगवान, उस बंटी को कहाँ ढूंढे? कहीं उस आतंकवादी ने उसे? नहीं नहीं चाचा, मेरा दिल कहता है कि बंटी ठीक है। हाँ चाचा, बंटी ठीक ही होगा। हे भगवान, उसकी उसकी रक्षा करना। बच्चों की टोली को लेकर बुढ़ाऊ हमसे लड़ने चला था। खबरदार जो चाचा के साथ इस तरह बात की तो। वाह, तुम तो देखो इन बच्चों का। चुप मनु, इस तरह बात नहीं करते। ताज्जुब की बात है, अरे हमने तो तुम्हारी जान को बख्श दिया था, फिर मौत को गले लगाने फिर वापस चले आए। भगवान के लिए इन बच्चों को कुछ मत करना, बच्चों पर रहम खाओ। रहम? कैसा रहम? हा? अरे भैया, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अरे हमने तो अभी शादी भी नहीं की, बच्चे कहाँ से होंगे? दरअसल मैंने ही बच्चों को बहकाया था, ये बेचारे तो वापस जा रहे थे। चाहो तो मेरी जान ले लो। घबराओ मत, घबराओ मत, वो आपसी गोलियां, सब मर जाओगे, सब मर जाओगे। किसी को किसी के लिए जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये कंपन तो मारा भाग कर नहीं चलूंगा, सबको मारूंगा, एक एक को मारूंगा। आओ बंटी, तुम बंटी, तुम भी? राजा मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? उनको अलग अलग कमरे में बंद किया है। क्या वो वाकिफ हैं कि मैं यहाँ हूँ? हाँ राजा, अब क्या करेंगे, नीचे पहरेदार है, मैं बच्चों को लेकर वहां से जा नहीं सकता। चाचा, मैं जब तक उन सब लोगों को रिहा ना करवा लूं मेरा काम अधूरा है। आप एक काम कीजिए, इन सब बच्चों को लेकर कमरा नंबर 12 में रुकिए। कोई परेशानी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, वक्त आ गया है कि मैं इस कहानी को खत्म कर दूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारे साथ रहे बेटा। ए, एक दूसरे का ध्यान रखना, डरना मत, क्योंकि डरना मौत है। क्यों नहीं जवाब दे रही तुम्हारी सरकार? क्यों खामोश है सबके सब? सरकारी मामला है, वक्त तो लगेगा ही। वक्त नहीं है तुम्हारे पास, देखो देखो, सिर्फ 4 घंटे है तुम्हारे पास, और अगर 4 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारी सरकार ने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो सबकी सांसें बंद हो जाएंगी। ऐसा लगता है जब सांसें बंद हो जाती हैं तब। मैं फोन करता हूं, मैं फिर से फोन करता हूं।
कर रखा होगा इन लोगों को। सर बहुत ढूंढा, किधर भी नहीं है। सर इधर के कमरों में कोई नहीं। सर कहीं भी नहीं मिले। कमबख्तो, उनका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जाओ कहीं से भी पकड़ के लाओ उनको। प्लांट में चला गया, चला मेरे साथ। ये लोग कहां चले गए? लगता है राजा भगा के ले गया होगा, लेकिन जब मैं आया तो ये दरवाजा बंद था। कहां से गया होगा? वहां से। लेकिन राजा तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हां मैं साथ। हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, खतरा बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले जा रहा हूँ, वहां किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं होगा। मेरी बात गौर से सुनना। सब लोग आ गए ना? सुनो,
इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर कमरा नंबर 12 में मेरा इंतजार करो। वहीं रुकना, कमरा नंबर 12 में। और अगर गलती से भी कोई बाहर निकला तो जिम्मेदारी आप में से सब लोगों की होगी, समझ गए ना? तब तक मैं जाकर और लोगों को ढूंढता हूँ, जल्दी शाबाश निकलो 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 निकलो। तू मुझसे नहीं बच सकता। यह पता नहीं राजा किस हाल में होगा। नहीं चाचा, राजा ठीक ही होगा। चाचा लगता है कोई आ रहा है। वो बेटा, वो बंटी बेटा, किसी से रो तो वो बेटा तो अभी तो बाहर होना चाहिए था सी। अरे सुना जी, ये बहादुर बच्चे हैं, ऐसे ही मुसीबत में छोड़कर थोड़ी भाग जाएंगे। देश की नींव है ये, अगर ये लोग मैदान छोड़कर भागेंगे तो देश को कौन बचाएगा? चाचा जी बिल्कुल सच कह रहे हो। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों, मेरे तो अड्डे तो नाज है, तो तुसी दे सारे ने चक्क दे फटे।